हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड इंसेंट बोर्ड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे और न्यूक्लिक एसिड में हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को हमने डिस्कस किया। सो बेसिकली आज हम पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की दो टाइप दैट इज डीएनए एंड आरएनए को देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के दरमियान का डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंसेस क्या है इसके दरमियान के, क्योंकि ये सवाल आपसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए एंड आरएनए बहुत आर पॉली न्यूक्लियोटाइड दोनों क्या हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं। अब हम डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। तो बेसिकली डीएनए जो है वो कंटेन करता है डी ऑक्सी राइबो शुगर, मतलब जो राइबो शुगर की कैटेगरी है उसमें डीएनए के बाद जो राइबो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डी ऑक्सी। मतलब डी ऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास एक रिमूव हुआ हुआ है और ये आपके पास फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए के पास कितने जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सो बेसिकली डीएनए कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड नंबर 4 इज थायमिन। ये THYMIN है। सो थायमिन, सो बेसिकली थायमिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीएनए। सो डीएनए कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए कंटेन अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्टैंड का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके दो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है। और अगर हम मजीद बात करें तो हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए की जस्ट एक ही टाइप है, वो है डीएनए। इसके अलावा डीएनए की कोई टाइप्स नहीं है। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होती है वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें आरएनए से, सो आरएनए बेसिकली इज ऑल्सो अ पॉली न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का जो पूरा नाम है वो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों, क्योंकि इट कंटेन अ राइबोज शुगर। ये राइबो शुगर होती है और इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी 5 होती है, जबकि अगर डीएनए हमने देखा था उसके अंदर डी ऑक्सी होती है, मतलब राइबो शुगर से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो आरएनए कंटेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जो कि बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू डीएनए, बट डीएनए के अंदर थायमिन होता है। और अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए कंटेन यूरेसिल। अगर हम अब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट आरआरएनए। आरआरएनए क्या है, बेसिकली आरएनए जो है इसकी तीन तरह की टाइप्स होती हैं, इसकी 3 काइंड्स होती हैं। जैसे कि हमने डीएनए पढ़ा डीएनए इज ओनली 1 काइंड, बट आरएनए हैज हैव 3 काइंड्स। और 3 काइंड्स में हमारे पास क्या है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ये जो टीआरएनए है और एमआरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। इसमें जो आर, टी और एम का क्या मतलब है, आर इज राइबोसोमल, टी इज ट्रांसफर एंड एम इज मैसेंजर आरएनए। बेसिकली इसके बाद मैं जो है वो आरएनए के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सो बेसिकली उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का वर्किंग क्या है और इनके जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आई होप कि इसमें से आपको कोई क्यूरीज नहीं होंगी, और अगर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी के साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।